नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बिजली बिल वसूलने के लिए अब कंपनी बकायेदार लोगों के घर तक पहुंचेगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिजली कंपनी ने अब यह फैसला लिया है कि बकायेदार लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय अब ज्यादा से ज्यादा बिल वसूला जाए, ताकि लोगों को बिना किसी रुकावट के बिजली की सुविधा मिलती रहे। इसके लिए कंपनी ने लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि बिल वसूल कर नुकसान कम किया जा सके, ताकि उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली देने में परेशानी ना हो। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का औसत घटा हुआ है। पहले जो लोग बिल जमा किया करते थे, वे भी अब भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान आमतौर पर 800 से 900 करोड़ की वसूली करने वाली कंपनी की बहुत ही मुश्किल से 300 से 400 करोड़ की वसूली हो रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कंपनी को अधिक नुकसान होने लगा। साल 2016 में कंपनी मात्र 1047 करोड़ के नुकसान में थी। 2020 में कंपनी का नुकसान बढ़कर 4673 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के राजस्व नुकसान में लगभग 5 गुने की वृद्धि हो गई। आपको बता दें कि नुकसान कम करने के लिए बिजली कंपनी ने एजेंसियों की सेवा लेने का निर्णय लिया है। एजेंसियों को मासिक लक्ष्य दिया गया है कि वह लोगों से बिल की वसूली करें। मिली जानकारी के अनुसार, खासकर वैसे उपभोक्ता जो लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनसे कंपनी की ओर से एजेंसी के लोग संपर्क करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए विशेष वसूली शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में राजस्व वसूली के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर कंपनी प्रचार प्रसार भी करेगी। इसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि अगर वे समय पर बिल भुगतान करेंगे तो उनको क्या क्या लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि आम लोगों के साथ ही कंपनी सरकारी विभागों से भी बकाया बिजली बिल की वसूली करेगी। मसलन नगर विकास, PHED, लघु जल संसाधन, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा पर बकाया ऊर्जा विभाग के बिल की वसूली के लिए भी कंपनी विशेष प्रयास करेगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों से आवश्यक पत्राचार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सरकार के शीर्ष स्तर पर होने वाली इन बैठकों में भी कंपनी राजस्व बकाए का मसला प्रमुखता से उठाएगी। वहीं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस ने बताया कि फरवरी में कंपनी ने अब तक की रिकॉर्ड वसूली की है, जिसकी कुल राशि 1000 करोड़ है। राजस्व वसूली में वृद्धि और नुकसान कम करने के लिए कंपनी घर घर जाकर बकायेदारों से संपर्क करेगी, ताकि निर्बाध बिजली देने में सुविधा हो। दरअसल कोरोना काल के बाद राज्य में बिजली की खपत में कोई खास अंतर भले ही नहीं आया हो, लेकिन बिल भुगतान में भारी अंतर आ गया है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन अवधि में भी राज्य की बिजली खपत 4000 मेगावाट से अधिक थी, लेकिन बिल वसूली का औसत 1/4 तक आ पहुंचा था। कोरोना काल से पहले कंपनी की मासिक वसूली औसतन 800 करोड़ थी, जो लॉकडाउन में घटकर 200 से 300 करोड़ पर आ गई थी। बताते चले कि बिजली बिल जमा करने को लेकर नियम में बदलाव भी होने वाला है। दरअसल तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने वालों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बिजली कंपनी ने तय समय से अधिक समय पर बिल भुगतान करने वालों से अब अधिक DPS यानी कि विलंब शुल्क अधिभार वसूलने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा है। आयोग की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।